मेरा नाम मोहम्मद बिन हमीद है, मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ। मेरा छोटा भाई जो शहीद है, सैद बिन मुबारक, उसका जो सो एक 10 तारीख के दिन कुछ झगड़ा हुआ या मकानदार उसके बीवी जाके बुलाना, अम्मागंज जाके बैठ जाना, झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में पीएस कंप्लेंट करा, उस्मानिया गया। कौन सा पीएस? ये अपने बंजारस पीएस में कंप्लेंट करा। एसआई साहब बोले अरेस्ट करते, बोले नहीं करे। कल भी फ़ोन करा उन्हें, भैया ऐसा ऐसा है, मैं उस्मानिया से आऊँ, चलना नहीं आ रहा मेरे को। बोला ऑफिस को जाओ, प्रेस के ऑफिस को जाओ, बयान दियो उनको, सीआई को, उन लोगों को बोलते बोल के बोला मैं। बोलने के बाद में जो सो ये हुआ, कल रात में 8 बजे एक झगड़ा हुआ। मेरी छोटी बहन जो सो उसकी जो सो गवाह है, विटनेस है, उसके शौहर के साथ आई थी कहते यहाँ पर। वो सब होने के बाद में सो सरफराज बोल के है, जो 10 तारीख को जो मारा, जो बुलंद भाई का बाड़ा है, ये इसके अंदर भी, ये बाड़े के अंदर जो सो ये हमेशा होते ही रहता और बीच में इन्वॉल्व होते होते इन लोग। और ये करने के बाद में हमारे को ऐसा है, ये भाई जो है सो पूरे दूसरे भाइयों को, मेरी पीठ वाला भाई ये पूरे भाइयों को ये बोलता था कि सुसाइड नहीं करना, खुदकुशी कहते, बीच में लटकते रहते बोलता। बहनों को भी बोलता, भाइयों को भी बोलता, बड़ों को भी बोलता, छोटों को भी बोलता। उन्हें ड्रिंक करता, छोटे मोटे केसों में है, सारे चीज़ें हैं इसको। लेकिन इस तरह बुरा मारना, चार चार जने मारना, बेहोशुस्ता मारना, पैरा तोड़ना, ये सो कोई चीज़ इंसाफ नहीं है। अब इसके अंदर जो सो इन्हें सुसाइड करा, मेरे को भरोसा नहीं है। और मेरे को ये कत्ल का है, इसको कत्ल करे, करके लटकाए, इसकी जो सो कत्ल की जांच करना। किसके ऊपर शक है आपको? मेरे को देखो सरफराज और जो सो उसकी बीवी, उसकी साली, इन लोगों पर शक है मेरे को, समझे ना। मेरे को जो सो ये चीज़ का ये है, मेरे भाई को लटका के जो सो डाल डाले, सुसाइड करा हो रहा, सुसाइड नहीं है, समझे ना। ड्रिंक करके पूरा बेहोशी होने, मारना, लकड़ियाँ तोड़ दे के मारना, वो करना, ये सब जो सो इंसाफ नहीं है। जबकि जो सो ये करे तो मैं जो सो ये चीज़ के लिए बोल रहा हूँ मैं। और मैं बोल रहा हूँ शक बहुत है मेरे को, जो मटर का है उफ है, नहीं सुसाइड नहीं कर सकता। 8 बजे जब बात करा तो सुसाइड नहीं कर सकता, नहीं। 4 दिन पहले जब झगड़ा हुआ तो सुने 4 बजे जब हुआ तो जब भी नहीं करता। और हैंग लेने वालों का जबान बाहर, आँखा बाहर, सब बाहर आते, कुछ नहीं है, जैसा है वैसी चीज़ें, पूरा नरम है, उन्हें बॉडी पूरी नरम है उसकी। ये सब चीज़ के लिए जो सो मैं ये बोल रहा हूँ। और हुकूमत से, अपने बंजारल पीएस एसीपी साहब से और सीआई साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इसकी पूरी जांच करो और मटर केस में जो सो कार्रवाई करो, मेरे को इसकी पूरी तहकीकात होना। और मैं ये इल्तिजा करके बोल रहा हूँ, नहीं बोले तो इसके जो सो जहाँ तक मैं बोलना है वहाँ तक करूँगा, नहीं तो कोर्ट से पिटीशन डालूँगा। हमारा भाई रहता, मेरे से बड़ा भाई रहता, 10 तारीख के दिन रात में लड़ाई हुई बोल के फ़ोन करा मेरे को। मेरे को मकानदार मार रहे हैं, मेरी बीवी नहीं आने दे रही, वो ये बोल के गाली गुफ्तार हुई, मेरे कहने पूरी रिकॉर्डिंग है गाली गुफ्तार की भी। और बात करे कि नंगे नंगे गालियाँ, नंगे नंगे बात करे कि लड़के चले आना। पहले वाइफ भी मेरे ऐसी करते तो मैं छोड़ दिया उनको। खैर इनको बोला भी सुधर के रहो भाई बोल के बोला, समझाया, पीएस में कंप्लेंट करे उन्हों। तो 10 तारीख तक अच्छे थे और कल भी अच्छे थे। सुने 4-5 दिन से लड़ाई चल रही इन लोगों ने। और मैं मेरे को हमेशा फ़ोन करके ये बोलना, मेरे को मार रहे, मेरे को कोई भया नहीं देख रहे, वो ये बोले। तो मैं बोला हमारे मार रहे थे, बोले मकानदार के बेटे बुलंद सरफराज खान और उनके भतीजे और बीवी ऐसा मारे बोल के बोले, साली भी मारे बोले। तो गालियाँ गुफ्तार हो रहे बोले, दोनों मार के करके ऐसा मार रहे मेरे को, ऐसा कर रहे बोल के हमारे छोटे भाई को भी जाके बोले थे। हमारा छोटा भाई बोला नहीं भैया, जान दो, मियाँ बीवी का मसला है, जाओ तुम जाके सो जाओ, वही बोल के समझा। अब उन्होंने अपने आप को फांसी ले लिए बोल रहे, मगर फांसी तो नहीं लिए उन्होंने। और 3 नंबर पीएस में कंप्लेंट दिए थे उन्होंने और एक्शन नहीं लिए पुलिस वाले। बहुत समझ, मैं फ़ोन करके भी बोला साहब ऐसा मार रहे साहब, ऐसा जाओ साहब, वो ये बोल के पीएस को भी करा और जवान को भी फ़ोन करा। तो जवान साहब बोले ठीक है मैं आ जाता हूँ, यहाँ सुबह में जाता हूँ बोल के बोले, नहीं आए। और 3 नंबर पीएस में लैंडलाइन पे फ़ोन करा तो उन्होंने बोले सुबह में भेजते, उसको भेजो पीएस को बोले, तो भेजा पीएस को, उन्होंने जाके कंप्लेंट करे। फिर वहाँ से बोले आज अच्छी बात है, जवानों को भेजते हम उठा के लाते उसको, वो ये बोल के बोले। आज तक ना एक्शन हुआ ना कुछ हुआ। आके कल रात में हमारे बहन के उनके वाइफ के ऊपर, उनके मकानदार के बच्चे के ऊपर, सरफराज खान के ऊपर, दोनों के ऊपर लड़के झगड़ के अम्मा कहने चले जाते। उन्होंने बात करे कि मकानदार बात करे क्या आता हम लोगों के, मैं भी रहे खुद जो जब भी आप बीच में आता था गाली गिरफ्तार करके घर में से हकालना, हम लोगों को आदमियों को हकालना, औरतों को रख लेना, औरतों को रख लेना घर में,
आदमियों को हकाल डालना, मार के करके गालियां देके हकाल डालना, तो ये क्या है, दादागिरी करते हैं इनका, हमेशा दादागिरी, जिसके ऊपर उसके ऊपर दादागिरी करते हैं। हमारे भाई मिलेगा थे, बात करेगा थे, रात में भी लड़ाई भी करते रात में।